वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। इस अध्याय में हम सुनेंगे पांच कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनकी आराधना, भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी महादेव को कहते हैं, हे प्रभु, सृष्टि आदि के पांच कृत्यों के लक्षण क्या हैं तथा हम उन्हें किन प्रकार से समझ सकते हैं? कृपया कर हमें आप यह बतलाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत ही गूढ़ और गहन है, फिर भी मैं तुम्हें इसके विषय में बतला रहा हूँ। हे ब्रह्मा, हे अच्युत, सृष्टि, स्थिति, संहार, पालन, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत से संबंधित वो कार्य हैं जो नित्य सत्य हैं। संसार की रचना का जो आरंभ होता है उसे सृष्टि कहते हैं। मुझसे ही पालित होकर के सृष्टि स्थिर रूप से रह करके स्थित है। सृष्टि का विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को हम तिरोभाव कहते हैं। जब इन सभी से मुक्ति मिल जाती है तो यह मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार से यह पांचों मेरे ही कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं वे संपूर्ण संसार का विस्तार करने वाले हैं तथा पांचवा कृत्य मोक्ष जो अनुग्रह के हेतु है, वह सदा अचल भाव से मुझ में ही स्थित रहता है। मेरे भक्तगण, इन पांचों कृत्यों को पांचों भूतों में देख पा रहे हैं। सृष्टि भूतल में स्थित है, स्थिति जल में स्थित है, संहार अग्नि में स्थित है, तिरोभाव वायु में स्थित है और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से संपूर्ण सृष्टि होती है और जल से सभी की वृद्धि। आग सभी को तहस नहस करके जला देती है। वही वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर जाती है। आकाश सभी को अनुग्रहित करता है। इन पांच कृत्यों के भार को वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। चारों दिशाओं के लिए चार मुख और इनके बीच में पांचवा मुख स्थित है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने कठोर तपस्या करके मुझ परमेश्वर को प्रसन्न किया और इससे सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त हुए। ये दोनों तुम्हें बहुत अधिक प्रिय हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, ये दो उत्तम कृत्य
संहार और तिरोभाव भी मुझसे ही प्राप्त किए हैं। परंतु दूसरा अन्य कृत्य जिसे अनुग्रह के नाम से जाना जाता है, उसे कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। आसन, वाहन, कृत्य, वेश, रूप और आयुध, ये सभी मेरे समान ही हैं। पूर्व काल में अपने ही स्वरूप भूप मंत्र का जो उपदेश किया है, जिसे आज ओंकार के रूप में जाना जाता है और इसी से उसे प्रसिद्धि भी मिली है, यह महामंगलकारी वह मंत्र है जो स्वयं मेरे मुख से प्रकट हुआ है, जो मेरे ही स्वरूप को बोध कराता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य। वह मंत्र प्रतिदिन स्मरण करने से मनुष्य मेरा सदा ही स्मरण करता है, क्योंकि उसमें मेरा ही स्मरण है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुखी मुख से उकार, दक्षिण मुखी मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद प्रकट हुआ है। इस प्रकार से ये पांचों अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन पांचों को मिलाकर के ओम नामक एक अक्षर हुआ। इसी से संपूर्ण जगत और वेदों की उत्पत्ति हुई। स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग, सभी इसी प्रणव मंत्र में ही व्याप्त हैं। इसे शिव और शक्ति दोनों ही समझा जाता है। इसी से मेरी उत्पत्ति है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो कि पांच भेदों वाले हैं। उसी से माँ गायत्री का भी प्राकट्य हुआ है और गायत्री से संपूर्ण वेद और मंत्रों का उद्भव हुआ है। इतने मंत्र गायत्री से उद्भव हुए हैं जिनसे सभी कार्यों की सिद्धि हो सकती है। परंतु प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्रों के द्वारा मनुष्य की सभी अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं। यह भोग, मोक्ष और सिद्धियां सभी चीजें देने वाली हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नंदकेश्वर फिर आगे कहते हैं, माँ जगदम्बा के साथ बैठे हुए महादेव जी, जो कि उत्तर की ओर मुख करके आसन पर विराजित थे, वह ब्रह्मा और विष्णु को वस्त्रों के द्वारा आच्छादित करके उनके मस्तक पर कर कमल को रख करके धीरे धीरे सर्वोत्तम मंत्र का उपदेश देने लगे। मंत्र और तंत्र के अनुसार विधि का पालन करते हुए, तीन बार मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जगत गुरु का स्तुति किया, उनका आवाहन किया और स्तवन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, आप तो निष्कल रूप हैं, आपका तेज अत्यंत ही प्रभावशाली है, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप सकल स्वरूप और प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, सृष्टि, पालन, संहार, तिरुभाव और अनुग्रह, ये पांचों आपके मुख हैं, आपको नमस्कार है।
अनंत गुण और अनंत शक्तियाँ आप में ही समाहित हैं। इतना ही नहीं, आप ही सदगुरु भी हैं और आप ही शंभु भी हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके बिना सृष्टि की कहीं कोई रचना नहीं, कहीं कोई उसके बारे में वर्णन नहीं की जा सकती है। आपको नमस्कार है। तब उनके चरणों में प्रणाम उन्होंने प्रस्तुत किया। ब्रह्मा और विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर के महादेव कहते हैं, आर्द्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को यदि प्रणव मंत्र का जाप कर लिया जाए तब वह अक्षय पुण्य फल को प्रदान करने वाला है। सूर्य संक्रांति से युक्त महा आर्द्र नक्षत्र में यदि एक बार भी जाप किया जाए तब वह कोटि कोटि गुना जप करने का फल देता है। यदि इसी मंत्र को मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग में पूजा होम और तर्पण आदि के द्वारा किया जाए तब वह आर्द्र के समान ही होता है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल या फिर मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। दर्शन और पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि अथवा प्रदोष व्यापनी तिथि को लेनी चाहिए। अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी अति ही प्रशंसनीय है। पूजा करने वाले सभी भक्तों को मेरी मूर्ति या लिंग दोनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक समान फल की प्राप्ति होती है। फिर भी मनुष्य को मूर्ति के अपेक्षा लिंग का पूजन करना ज़्यादा श्रेष्ठ फल को प्रदान करता है। जो पुरुष मुर्मुक्षु हैं उन्हें चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग की पूजा करें। लिंग की पूजा के समय ओंकार मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पूजन करना चाहिए लिंग का। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करें या फिर दूसरे से स्थापना करवा करके विभिन्न प्रकार के द्रव्यों द्वारा और विभिन्न उपचारों से पूजा करना चाहिए, सुलभ पद की प्राप्ति होती है। मेरे ही धाम में उसे स्थान मिलता है। इस प्रकार से महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को यह सर्वश्रेष्ठ उपदेश देकर के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए और पूजन की विधि का क्या विधान है। ऋषियों ने आगे पूछा, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए जो संपूर्ण लाभ को देने वाली हो, एवं पूजा किस प्रकार से करें, किस काल में और किन द्रव्यों के द्वारा करनी चाहिए। तब सूत जी महर्षियों से कहते हैं कि मैं इसके विषय में एक उत्तम वर्णन बतलाता हूँ, इसे आप सभी एकाग्र मन से सुने। शुभ समय में और अनुकूल मुहूर्त में किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पे या नदी के तट पर अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे शिवलिंग की स्थापना करें जहाँ प्रतिदिन उसकी पूजा कर सके। उपासक को ऐसा करने से पूजा का पूरा लाभ मिलता है। शुभ लक्षणों में यदि पूजा की जाए तो यह तुरंत ही फल को प्रदान करती है। जल प्रतिष्ठा के लिए छोटी शिवलिंग को श्रेष्ठ माना गया, परंतु अचल प्रतिष्ठा के लिए बड़े विशालकाय शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग के पीठ सहित स्थापना करना बहुत ही उत्तम होती है। शिवलिंग की पीठ गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर, नीचे, मोटा और बीच में थोड़ा सा पतला होना चाहिए। ऐसा लिप्त शिवलिंग महान फल को प्रदान करता है। पहले मिट्टी या लोहे के द्वारा शिवलिंग का निर्माण करें, फिर
जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग के विषय में विशेषता है। और जो चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग होते हैं उनमें एक ही तत्व से शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है। यदि 12 अंगुल से अधिक लंबी हो जाए तो यह कोई दोष नहीं। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले एक अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम तो कदापि नहीं। शिवलिंग की स्थापना करने के लिए शिल्प शास्त्र के द्वारा सबसे पहले देवालय का निर्माण करवाएं और उसमें सभी देवगणों की मूर्तियों को स्थापित करनी चाहिए। देवालय का गर्भगृह अति ही सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए, मनमोहक होना चाहिए। उस देवालय में दो मुख्य द्वार होने चाहिए, पूर्व और पश्चिम के। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में कुछ रत्नों को डालना चाहिए। नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्र के उच्चारण के द्वारा वहाँ पर रख करके फिर 5 स्थान का पूजन करके अग्नि में आहुति दें। परिवार सहित पूजा करके आचार्य को धन धान्य और विभिन्न प्रकार की मनोरम वस्तुओं से उन्हें संतुष्ट करें तथा स्वर्ण और भूमि गाय इत्यादि का दान करना चाहिए। यह सभी प्रकार के सुख को देने वाली होती है। विभिन्न प्रकार के नाद घोष और महामंत्र का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। शिवालय में अन्य प्रकार की मूर्तियों की भी स्थापना करके विभिन्न प्रकार से उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु यदि वह साधु और संत के द्वारा पूजित किए गए हों तो वह शिव पद को प्रदान करने वाला होता है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का हो जाता है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के आहार और जल के द्वारा उन्हें तृप्त करके भगवान शिव का प्रतीक मान करके उनका पूजन करें। इस तरह महालिंग की स्थापना और पूजन से देवालय की साक्षात परिक्रमा करें, विभिन्न प्रकार के आवाहन, आसन, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तांबुल इत्यादि देकर के 16 उपचारों के द्वारा पूजन करें। तत्पश्चात शिव का पूजन करें जिससे शिव पद की प्राप्ति हो। शिवलिंग की स्थापना चाहे जिसने भी की हो, मनुष्य ने की हो, ऋषि ने की हो, या देवताओं ने की हो, या फिर शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हुआ हो, सभी की पूजा का उपयुक्त विधि यही होता है। और इसी प्रकार से पूजन करने से सभी फल भी मिलते हैं। परिक्रमा करें और नमस्कार करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। यह अति ही कल्याणकारी है। मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, फूल, कनेर पुष्प, भस्म, मक्खन या अन्य प्रकार के अन्य के द्वारा शिवलिंग बना करके प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करने से 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करने से दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव मंत्रों का जाप करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग का निर्माण यदि मनुष्य चाहे तो हाथ के अंगूठे पर भी कर सकता है और उसकी पूजा भी कर सकता है।
देखिए, लिंग का निर्माण करने में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं बतलाया गया है, क्योंकि भगवान शिव सर्वत्र ही मौजूद होते हैं और भक्तों को उनके अनुसार फल को भी देते हैं। श्रद्धा पूर्वक यदि शिव भक्त शिवलिंग का दान करता है या शिवलिंग के बराबर मूल्य का दान करने से भी शिव धाम की प्राप्ति होती है। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण यदि मन की शुद्धि कराने वाला होता है, तो वहीं समाधि में मानसिक जाप का विधान बतलाया गया है। अन्य समय जो भी जाप किया जाए उसे उपांशु ही रखना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जाप और उनकी पूजन विधि है। ब्राह्मणों के लिए पंचाक्षर मंत्र अति श्रेष्ठ है। वहीं दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करने के लिए भी यही मंत्र शुभ है। कलश के जल से स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण और शुद्धिकरण, ब्राह्मण और बुद्धिमान गुरु, इन सभी के लिए उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का जाप यदि 5 करोड़ बार जप लिया जाए तो मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 या फिर 4 करोड़ का यदि यही मंत्र जप लिया जाए तो यह ब्रह्मा, विष्णु या फिर महेश्वर का पद को देने वाला होता है। 1000 दिनों में 1000 जप यदि प्रत्येक दिन किया जाए पंचाक्षर मंत्र का, तब और उसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है और इससे कोई भी कार्य आप सफल कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय ध्यान रखें कि मंत्र का स्वर इसी प्रकार से हो जिसका उच्चारण अन्यत्र कोई दूसरा न सुन सके। यह जाप अति ही श्रेष्ठ है। प्रतिदिन ब्राह्मण को 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पद की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्र में जितने भी अक्षर हैं उनके उतने लाख यदि जाप करता है तब मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य अपनी श्रद्धा और अपनी पसंद के अनुसार किसी मंत्र का जाप करता है तब ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव की पूजा हेतु फुलवाड़ी या बाग बगीचे का निर्माण कराता है या फिर देवालय बनवाता है, उसमें झाड़ने, बुहारने इत्यादि जैसी सेवाओं को प्रदान करता है, तब ऐसे में ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जिससे शिव धाम की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य काशी में निवास करता है उसे योग और मोक्ष दोनों मिलता है। भगवान शिव के ऐसे क्षेत्र में निवास करने से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। इन क्षेत्रों में बावली, कुआं, तालाब, शिवालय, इन सभी का निर्माण करवा करके वहाँ पर स्नान, दान, जाप करने से भगवान शिव को स्वयं मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में आकर के अपने किसी भी मृत परिजन का दाह संस्कार या फिर वार्षिक श्राद्ध इत्यादि करता है, पितरों का तर्पण करता है, वह तत्काल ही सभी बंधनों और पापों से मुक्त होता है, अंत में शिव पद को पाता है। अपने अपने वर्णों के अनुसार आचरण और सदाचार का पालन करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया जो भी कार्य होता है वह मनुष्य को अभीष्ट फल प्रदान करता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। प्रातः काल दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न के समय सकाम कर्म
और सायंकाल को शांति कर्म की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के जो चार पहर होते हैं उसमें से बीच के पहर को निषिद्ध काल जाना जाता है। इस काल में पूजा करने से अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। कलयुग में कर्म के द्वारा ही सभी फल प्राप्त होते हैं। इन विधियों के अनुसार भगवान शिव की पूजन करने वाले व्यक्ति अपने कर्म को पूर्ण तरीके से निभाते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति भी होती है। इतना सुनने के बाद ऋषियों ने फिर कहा, हे सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका यदि मनुष्य आश्रय ले ले तब वह शिव पद को प्राप्त कर सकता है, कृपया कर हमें यह भी बताएं। इस पर सूत जी कहते हैं, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं ऐसे शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ जो कि लोक रक्षा हेतु तथा शिव भक्ति के लिए अति ही आवश्यक है। पर्वत, वन, काननों सहित इस संपूर्ण धरा का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण कर रखा है। इस भूतल पे विभिन्न ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्राणी को मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया गया है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर देवताओं और ऋषियों ने अपने लिए निवास स्थान को बना रखा है, इसलिए उन स्थानों को तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना गया है। कुछ तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो स्वयं प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्रों में जाने पर हर मनुष्य को सदैव स्नान, दान और जप जैसी क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, गरीबी दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मनुष्य यदि अपने ही देश में मृत्यु को पाता है तब उसी पुण्य फल के प्रताप से दोबारा उसे मनुष्य योनि में ही जन्म मिलती है। तीर्थ स्थल और पुण्यमय क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्य को थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि मनुष्य ना करता हो तब उसकी दुर्गति होती है। सिंधु गंगा नदी के तट पर ऐसे बहुत सारे पुण्य क्षेत्र हैं जो कि परम मंगलमय को देने वाले हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र, निर्मल और 60 मुख वाली बताई गई हैं। जो विद्वान पुरुष या व्यक्ति सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है निश्चय ही उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। सलीला गंगा जो कि 100 मुखों वाली है वह हिमालय से निकली है। इस पुण्यमयी नदी के दर्शन से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। इस नदी के तट पर काशी, प्रयागराज आदि जैसे कई पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर गंगा की तटभूमि और भी अधिक पुण्यदायी हो जाती है। वहीं सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति की मकर राशि में स्थित होने पर यह और भी अधिक पवित्र और संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। इस समय यहाँ पर जो स्नान करता है तथा व्रत करता है उससे विनायक पद प्राप्त होता है। पुण्य और पवित्र सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख बताए गए हैं। इसमें स्नान करने से तथा इसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद प्राप्त होता है। वहीं तमसा के 12, रेवा के 10 मुख बतलाए गए हैं। गोदावरी के 21 मुख बतलाए गए हैं। इसमें स्नान और दान से ब्रह्महत्या, गोवध जैसे पापों का नाश होता है। कावेरी नदी इसके 8 मुख बतलाए गए हैं।
यह स्नान करने से मनुष्य को विष्णु धाम प्राप्त होता है। तुंगभद्रा के 10 और स्वर्ण मुखड़ी के 9 मुख बतलाए गए हैं। जो भी जीव ब्रह्मलोक से लौटते हैं वह इसी नदी के तट पर जन्म को पाते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा अन्य शुभ मंगलमयी जितनी भी नदियाँ होती हैं वे सभी पुण्य क्षेत्र के अधिकार में आती हैं। जो इनके तट पर निवास करता है निश्चय ही उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी के 27 मुख हैं और यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करती है। जो इसके पद पर इसके तट पर निवास करते हैं वह ब्रह्म और विष्णु का पद पाते हैं। कावेरी नदी के तट पर स्नान करने से और वहाँ पर रहने से अभीष्ट फल प्राप्त होता है तथा शिव धाम की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से नैमिषारण्य बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में स्थित होने पर वहाँ पर जो मनुष्य स्नान करता है, पूजन करता है, ध्यान जप और दान करता है निश्चय ही उसे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। जब सिंह और कर्क राशि में सूर्य संक्रांति होने पर स्थित होता है तब सिंधु नदी में स्नान करने से और केदार नदी के तीर्थ का जल का पान करने से ज्ञान का वर्धन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में मनुष्य स्नान यदि करता है तब शिव धाम की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना में और सोनभद्र में यदि स्नान किया जाए तो गणेश लोक में भोग प्राप्त होते हैं, ऐसा ऋषियों का मंतव्य है। सूर्य और बृहस्पति के जब तुला राशि में स्थित हो जाते हैं तब उस समय कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति जब वृश्चिक राशि में आते हैं उस समय नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। सूर्य और बृहस्पति की धनुष राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखड़ी नदी में यदि स्नान किया जाए तो यह शिव धाम को देता है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी में स्नान कर लिया जाए तो यह शिव धाम को देता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थान में भी मनुष्य को सभी सुख भोग और ज्ञान प्राप्त होता है। माघ के महीने में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर श्राद्ध, पिंडदान और तिलोदक दान पिता नाना यह दोनों कुलों के पितरों के अनेक प्रकार के जितनी भी पीढ़ियाँ होती हैं उनका उद्धार करने वाला होता है। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर के जो मनुष्य तीर्थों में वास करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, उसका सभी पाप नष्ट होता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियाँ ब्रह्मलोक को देती हैं। इनके तट पर यदि रहा जाए तब यह स्वर्गों को प्रदान करता है। यह नदियाँ बहुत सारे पुण्य और मंगलमयी फलों को देने वाली होती हैं। मनुष्य को इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सदाचार, उत्तम वृत्ति, सद्भावना, सद्गुण, मन में श्रद्धा के साथ, दया भाव के साथ इन तीर्थ स्थलों में व्यक्ति को निवास करना चाहिए। यदि ऐसा बिना किए वह वास करता है तब उसे कोई फल नहीं प्राप्त होता। प्रभु की महिमा तो इतनी अधिक है कि आपने अपने मन में सिर्फ यह निश्चय ही किया है कि तीर्थ स्थलों पर निवास किया जाए, इतना सा सोचने मात्र से ही आपके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इसी के लिए इन तीर्थ स्थलों को पुण्यदायिनी कहा जाता है। यह मनुष्य को सभी प्रकार की समृद्धि और ऐश्वर्य को देने वाला होता है। हे ब्राह्मण,
में वास करने वाले या उत्पन्न होने वाले हर प्रकार से कायिक, वाचिक और मानसिक ये सभी प्रकार की शुद्धियों को देने वाला होता है। यदि तीर्थ स्थल पर कोई मनुष्य मानसिक जाप कर लेता है तब उसे इसका पुण्य फल 7 कल्पों तक प्राप्त होता है। यदि किसी पाप के द्वारा पीड़ा आपको प्राप्त हो रही हो तब तीर्थ स्थल पर भगवान के ध्यान करने से, महेश्वर का ध्यान करने से, मंत्रों का जाप करने से निश्चय ही उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। वाचिक पाप जाप के द्वारा, कायिक पाप शरीर को कठोर तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। मनुष्य को साथ ही हर प्रकार के सुख कर्म करने चाहिए, पाप से बचना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक कथा को समाप्त करते हैं। कल आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। बोलो जय महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।